कहते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, भूख, प्यास, खुशी, गम। किसी चीज का प्रतिशत भी निकालना हो तो उसकी हद होती है मैक्सिमम 100, इसके ऊपर नहीं जा सकती, ये है उसकी हद। जिंदगी का कोई भी पहलू हो या फंडामेंटल हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन मेरे सब्र, गुस्से, आक्रोश और निराशा की इस वक्त कोई हद नहीं है। मैं इस वक्त इन सेलेक्टर्स से बेहद नाराज हूँ। इस वक्त मैं कुछ भी होना चाहूंगा मगर सरफराज खान नहीं। सरफराज के करियर की सुपर डुपर हिट पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, ठीक गोविंदा की फिल्म सैंडविच की तरह, जो कि माइंड ब्लोइंग, लाजवाब, टकाटक थी। दिल खुश कर दिया था इस फिल्म ने, मगर अफसोस इसे बड़े पर्दे पर आने ही नहीं दिया गया। तो क्या बीत रही होगी इस वक्त सरफराज पर, क्या कसूर है इनका? बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अब चूंकि इस वीडियो की डिमांड आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, तो आप लोगों की बातों को हम कैसे टाल सकते हैं, तो हाजिर हैं सरफराज खान की वीडियो लेकर के। पिछले 13 साल में यह पहला मौका है जब भारत की टेस्ट टीम में पुजारा, विराट और रहाणे, ये तीनों ही दिग्गज मिसिंग है। पुजारा और रहाणे के करियर का तो साइलेंट कत्लेआम हो गया है, वहीं विराट भाई किसी पर्सनल रीजन के चलते पहले 2 टेस्ट से बाहर है। ऐसे में मुद्दा था इनकी रिप्लेसमेंट का, सवाल था उस बंदे पर जो कि इन्हें रिप्लेस करता। कई विकल्प थे, कई डोमेस्टिक खिलाड़ी थे, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग केस था सरफराज खान का। अगर मैं सिलेक्टर होता ना और मेरे पास 1000 ऑप्शन भी होते, तो मैं आंख बंद करके सरफराज को सिलेक्ट करता, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में, इस दौर में, इस फॉर्मेट में, ऊपर से भारतीय कंडीशन में, उससे बड़ा कोई दिग्गज मुझे तो नजर नहीं आता है आज की तारीख में, जिसने तबाही मचा रखी है। इतने कमाल के आंकड़े हैं, बेशुमार रन है, भर भर करके परफॉर्मेंस है और कॉन्फिडेंस बेशुमार है, लेकिन अफसोस जिसका डर था वही हुआ। सिलेक्टर्स ने अपनी ऑर्डिनरी बुद्धि का परिचय देते हुए ये साबित कर दिया कि अब हम कोई ICC ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो फरारी पड़ी है, मगर लोग नैनो से ही खुश हैं। इन्होंने चुना है रजत पाटीदार को। भाई पाटीदार एक सुपरस्टार है जिसने परफॉर्म किया है, हाल ही में इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 2 शतक भी बनाए, गर्दा उड़ाया है, मगर सच कहूं तो पिछले 4 साल से अगर कोई भी भारतीय टेस्ट टीम में होना डिजर्व करता है तो है सरफराज खान। क्यों? अब जो आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये बात हर उस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हर उस क्रिकेट लवर को माननी होगी, क्रिकेट लवर यानी एक जेन्युइन फैन जो किसी XYZ खिलाड़ी का फैन ना हो, कि सरफराज खान पीक पर चल रहे अपने करियर की, जरा कुंडली निकाल दी जाए इनके रनों की। रणजी ट्रॉफी के 1 से ज्यादा सीजन में 9000+ रन बनाने वाले केवल 2 ही खिलाड़ी थे भारत में, अजय शर्मा और वसीम जाफर, जिन दोनों ने भारत के लिए खेला है। तीसरे आए सरफराज, पहले 2019-20 में 928 रन बनाए, एवरेज था 155 का, 3 शतक बनाए, 250 और 13 शतक भी जोड़ दिया। फिर 2021-22 सीजन में 982 रन ठोक दिए महज 6 मैचों में, यहाँ एवरेज था 122.75 का, 4 शतक लगाए, 250, टॉप स्कोर था 275 का। सरफराज थे इस सीजन के टॉप स्कोरर और दूसरे नंबर पर थे रजत पाटीदार, जिन्होंने 658 रन बनाए 82.25 के एवरेज से, 2 शतक लगाए, 585 भी लगाए। यार क्या बुराई थी रजत के परफॉर्मेंस में, ये तो टॉप स्कोरर हैं। ये मैं तब कहता अच्छा लगता अगर सरफराज ना होते, लेकिन वो हैं तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस आम खिलाड़ी नहीं क्या करते, एक बार नहीं बार बार कितने रन बनाते गए। एक टाइम तो ऐसा आ गया जिनकी एवरेज 82 के ऊपर भी चली गई, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट था सर डॉन ब्रैडमैन के बाद। लोहा इतना गर्म था उस वक्त कि हथौड़ा मार देना चाहिए था, मगर नहीं, सिलेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर ये यही नहीं रुके, 2022-23 के सीजन में इतनी तबाही मचा दी कि इनके कोच अमोल मजूमदार साहब ने भी कैप उतारकर स्टैंडिंग ओवेशन दे डाला, मगर इन सबके बावजूद इनके हिस्से आया धोखा और इग्नोरेंस। अब जरा सुनिए टाइमलाइन बेवफाइयों की। 2019-20 में भी ये परफॉर्म कर रहे थे, तब भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा गया, चलो वहाँ मौका नहीं मिला, मुझे लगा शायद घरेलू सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ मिल जाए, ये वैसे ही घर में तबाही मचा रहे थे। मगर 2021 में भी नहीं चुना गया, WTC में तो क्या ही चांस था, चलो वहाँ तक समझ गए। मगर अगस्त वाले दौरे पर सूर्या, पृथ्वी शॉ को भी मौका मिला, मगर इनका जिक्र तक नहीं। घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस का भी डेब्यू हो गया, यार शहबाज नदीम जैसा बंदा भी खेल गया, लेकिन इनको किसी ने नहीं पूछा। 2022 के दिसंबर में भी मौका था, बांग्लादेश भी नहीं लेकर गए। 2023 में ये छप्पर फाड़ कर परफॉर्मेंस कर रहे थे, इसके बावजूद 0 रिस्पॉन्स। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सूर्यकुमार यादव का डेब्यू करा दिया गया, KS भरत को मौका मिला। WTC फाइनल के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ ईशान किशन का भी डेब्यू हो गया, SFC जायसवाल का भी डेब्यू हो गया, ले देकर इनके से फिर आई अनकही निराशा, लेकिन अब तो हद हो गई। भाई सलाम है यार आपको, जो बंदा इतनी नाइंसाफी के बावजूद सब्र कर रहा है। यार 2023 से पहले वाले वो दौर को माफ भी कर दिया जाए, जब सीनियर के नाम पर रहाणे और पुजारा थे, लेकिन के स्नप के बाद से तो मौका मिलना चाहिए था इनको। पूरी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में घिसा दिया इस बंदे ने खुद को, इसके ऊपर कोई क्या कर सकता है? इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर मौका ना मिले तो कोई क्या ही करेगा? सारी मोटिवेशन, सारा सब्र, सारा जज्बा मिट्टी में मिल जाता है, कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर दी जाती है, आदमी खुद पर सेल्फ बिलीफ से टूट कर डाउट करने लग जाता है कि मुझ में क्या कमी है, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। यार अगर कोई फ्लॉप खिलाड़ी हो, बिल्कुल खत्म सा प्लेयर हो, उसका तो समझ में भी आता है, या तो अधेड़ उम्र का खिलाड़ी हो जाए जैसे पुजारा, मनीष पांडे, इनको कम से कम ये तसल्ली तो होगी कि भाई अपना काम खलास है, हमें कोई नहीं कंसीडर करेगा, हमारा टाइम जा चुका है, अब ये लोग एंगेस्टर की तरफ जाएंगे, बनाते रहो शतक,
लेकिन यार 26 साल का ये लड़का क्या सोचता होगा, उम्र है, रन है, क्या कुछ नहीं किया टीम में आने के लिए। पिछले 5 साल से कितने प्लेयर आ गए, ठीक ठाक से एवरेज खेलने वाले भी डेब्यू कर गए, मगर सरफराज आज भी वहीं खड़े रह गए जहां ये 5 साल पहले थे। बहुत पीछे रह गया बंदा, नितोड़ने की हर तमाम कोशिश की गई और हो रही है। सोचो अगर कहीं ने 2019 में मौका मिला होता तो कम से कम 21 साल का एक लड़का भारतीय टीम में धूम मचा देता। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ रेड बॉल का खिलाड़ी है, अगर टेस्ट में नहीं खिलाना था तो कम से कम ओडीआई खिला देते, टी20 में तो उम्मीद ही नहीं है। पाटीदार को टेस्ट टीम में लिया गया, ओडीआई में हाल ही में डेब्यू करवाया गया, यार इन दोनों के तो लिस्ट के आंकड़े सेम ही है। अब कोई ये कमेंट करेगा कि रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट अच्छा है, स्ट्रोक प्लेयर है इसलिए इन्हें लिया गया। अब ये कमेंट करने से पहले जरा ये बता दीजिएगा कि पुजारा कौन से 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, कौन से लंच से पहले शतक बनाए उन्होंने या पहली बॉल पर बाउंड्री बनाए, या फिर विराट कोहली कौन से 200 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच खेलते हैं। भाई टेस्ट को टेस्ट की तरह लो, और ये आरसीबी तो है नहीं जो आरसीबी लॉबी के नाम पर इन्हीं की टीम का कोई खिलाड़ी इन्हें रिप्लेस करे। मगर अब तो ये सोच करके तरस आता है और गुस्सा भी आता है, जब भी टीम सेलेक्ट होती है अपनी, चाहे एशिया कप था, वर्ल्ड कप था या उससे पहले को बायलैटरल सीरीज, एक शब्द जरूर सुनने को मिलता था, ट्रेंड करता था, मुंबई लॉबी। लोग कहते थे कप्तान रोहित, चीफ सेलेक्टर अजीत मुंबई से, टीम में अधिकतर खिलाड़ी आते हैं मुंबई से ताल्लुक रखने वाले। लेकिन ये तो उस मुंबई लॉबी के भी ना हो सके, इनका नंबर तो उस लिस्ट में भी नहीं लगा। भाई आपके कोच रहे अमोल मजूमदार साहब का पूरा करियर इंतजार की ही बलि चढ़ गया, सॉरी बट आपके साथ भी मुझे वही होता नजर आ रहा है। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही भारत से खेलने की, या तो मौका मिलेगा कोई 30-32 की उम्र में, रजत पाटीदार की तरह, राहुल त्रिपाठी की तरह, सूर्या की तरह, अच्छे से 7-8-10 साल खराब कर दिए जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि भाई छोड़ करके किसी दूसरे देश से ट्राई करो तो ये भी गुनाह होगा। सरफराज का एवरेज आज 68 का हो गया है, जब 35-40 का हो जाएगा क्या तब मौका मिलेगा? इस पर आपका क्या टेक है कमेंट कीजिए। मगर मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इससे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो सकती है। तो वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और कोशिश कीजिए मेरे ये छोटे से चैनल की आवाज शायद सेलेक्टर्स तक पहुंच जाए।